बैन अल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को साबिक हरीफ हिलरी क्लिंटन से भी कमजोर करार दे दिया है और मजीद उन्होंने कहा कि वो बआसानी दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे, डाक के जरिए वोटिंग उन्हें हरा देगी। अमरीकी अखबार को खसूसी इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने सन 2016 में हिलरी क्लिंटन से मुकाबले का मुवाजना किया है और कहा है कि जो बाइडन कहीं ज्यादा कमजोर उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा है कि मईशत की बेहतरी से मुतल्लिक बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। हर माह अमरीका बेहतर से बेहतर हो रहा है। तीसरे क्वार्टर में GDP तारीख की बुलंद तरीन सतह पर होगी। ताहम डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि लॉकडाउन खत्म न हो। वो सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि अमरीका ना खुले। सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें सबसे ज्यादा खर्चा डाक के जरिए होने वाली वोटिंग से है क्योंकि ये वो वाहिद तरीका है जिसमें वो इलेक्शन हार सकते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि डेमोक्रेट्स धोखेबाजी करते हैं और इलेक्शन चुरा सकते हैं। गैर कानूनी वोटिंग की जा सकती है और ये भी मुमकिन है कि रिपब्लिकन इलाकों में बैलेट भेजे ही ना जाएं। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो जेफरसन यादगार जैसे विफाकी यादगारों का तहफ्फुज़ करने के लिए पॉलिसी बयान जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मुजाहरीन अमरीका की तारीख और सकाफत को छीनना चाहते हैं, ताहम ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर वाज़ह किया है कि सुप्रीम कोर्ट में कदामत पसंद जज तायुनात किए जाएंगे।